वाकई यूक्रेन को लेकर दुनिया से दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं, लेकिन इस समय दुनिया की नजर भारत पर भी टिकी है। पूरा विश्व जानना चाहता है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच अदावत छिड़ी तो भारत किसकी तरफ होगा, क्योंकि ये लड़ाई यूक्रेन के नाम पर रूस और अमेरिका के बीच होगी। बारूद उगलते टैंक, मिसाइलें बरसाती S-400 और समंदर को चीरते वॉरशिप, जल से लेकर जमीन और आसमान तक ये सब कुछ महायुद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐलाने जंग जैसी ये तस्वीरें यूक्रेन बॉर्डर के करीब की हैं और ये जंगी हथियारों का जमावड़ा रशिया का है। यूक्रेन को लेकर दो सुपर पावर देश रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। अमेरिकी बॉम्बर यूरोप में गश्त लगाते हैं, वहीं रूस ने भी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। मतलब रूस और अमेरिका के बीच टेंशन हाई है, युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन यहां दो सवाल अहम। पहला, युद्ध में भारत किसका पक्ष लेगा, अमेरिका या रूस का? दूसरा सवाल ये कि अगर रूस अमेरिका के बीच जंग होगी तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? दरअसल वर्ल्ड ऑर्डर में इस वक्त भारत अच्छी पोजीशन में, खासकर LAC पर चीन को करारा जवाब देने के बाद भारतवर्ष के हौसले बुलंद हैं। हिंद की ताकत का एहसास पूरी दुनिया को हो चुका है और दोनों ही सुपर पावर अमेरिका और रूस से हिंदुस्तान के रिश्ते अच्छे हैं। जानकार बताते हैं कि युद्ध से पहले के कूटनीतिक युद्ध में दोनों ही मुल्क मजबूत भारत को अपने पाले में करना चाहेंगे। चाइना खुल के रशिया के साथ है, अगर हम भी रशिया का साथ देते हैं तो बहुत मुमकिन है कि हमारी जो तनातनी चाइना से है वो थोड़ी कम हो जाए या डाइल्यूट हो जाए। और दूसरी बात, चाइना रशिया हमारा बहुत पहले से एक ट्रस्टेड देश रहा है। दरअसल यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की बारूदी तैयारी सुपर पावर अमेरिका को चौंका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से एक घंटे फोन पर बातचीत भी की, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद बाइडेन ने ऐलान किया कि रशिया अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो वो मॉस्को के खिलाफ बेहद कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अगर रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाता है तो इससे भारत की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इतना ही नहीं, S-400 एयर डिफेंस डील पर भी संकट मंडरा सकता है। आपको बता दें कि S-400 एयर डिफेंस का ऐसा सिस्टम जिसे दुश्मनों का सबसे बड़ा संहारक और युद्ध के मैदान का महाकवच कहा जाता है। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस S-400 की पहली खेप दिसंबर के महीने में रूस से भारत आ चुकी है। भारत इन दोनों में से किसी का भी साथ ना देके न्यूट्रल रहता है तो फिर S-400 दैट माइटी एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी कटाई में पड़ सकती है, और अगर वो डिलीवरी हो भी गई तो अमेरिका ने जो टर्की के ऊपर सैंक्शन लगाए थे और जो भारत के ऊपर ना लगाने का प्रस्ताव था वो कटाई में पड़ सकता है। लिहाजा भारत के लिए एक बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की करीब 60% सैन्य आपूर्ति रूस से होती है और ये एक बेहद अहम पक्ष है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब ईस्टर्न लद्दाख में चीन और भारत के सैनिक आमने सामने हैं तो ऐसे में यूक्रेन के मामले में भारत रूस को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो मुल्क है जो इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि LAC पर चीन के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने हमेशा भारत का साथ दिया। अमेरिका के अलावा यूरोप भी भारत का अहम साझेदार है। भारत चीन सीमा पर निगरानी रखने में भारतीय सेना को अमेरिकी पेट्रोल एयरक्राफ्ट से मदद मिलती है। सैनिकों के लिए विंटर क्लोथिंग अमेरिका और यूरोप से आयात होता है। ऐसे में भारत ना तो रूस को छोड़ सकता है और ना ही पश्चिम को, यानी रशिया यूक्रेन संकट भारत के लिए भी संकट बन चुका है। 1,00,000 लोग ईस्टर्न यूक्रेन में बॉर्डर पर, 30,000 लोग बेलारूस बॉर्डर पर तैनात किए हुए हैं, तो उससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है जो
वो हमला करने की तैयारी कर रहा हो, परंतु भारत ने यही कहा है जो वहाँ पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए और बातचीत से सभी जो मामला है उसको सुलझा लेना चाहिए। यहाँ एक और बात अहम है, रूस तेल और गैस का एक बड़ा उत्पादक है। अगर युद्ध शुरू हुआ तो आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम और गैस के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं, महंगाई चरम पर पहुंच सकती है और इस सब का असर भारत पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा युद्ध के हालात में भारत को एक और चुनौती से निपटना होगा, वो ये कि यूक्रेन से हजारों भारतीयों को बाहर निकालना होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।